नमस्कार सीएमएन न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। यूपी के बुलंदशहर में बारात लेकर पहुंचे एक दूल्हे ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग की और ना देने पर शादी से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने बारात को बंधक बना लिया। पुलिस ने दूल्हे और उसके रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस के जवान इस दूल्हे और उनके रिश्तेदारों को पकड़कर शादी समारोह से सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि इस दूल्हे ने 1 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की दहेज में मांग कर डाली। दरअसल बुलंदशहर के पहासू की नेहा का विवाह मेरठ के रहने वाले राहुल से तय हुआ था। राहुल 8 मार्च की रात को बारात लेकर नेहा के घर पहुंचा। बारातियों ने दावत खाई, नाश्ता किया और जैसे ही रस्म अदायगी का वक्त हुआ तो दूल्हे ने 1 लाख रुपए और बुलेट की मांग कर डाली। बस फिर क्या था, दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारात को बंधक बना लिया और मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस दूल्हे राहुल और उसके रिश्तेदारों को पकड़ कर पहासू थाने ले गई। दूल्हा और उसके रिश्तेदार अभी तक पुलिस हिरासत में है। नेहा के पिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? राजू, ये बताइए क्या हुआ है, आपकी बेटी की शादी थी तो क्यों शादी नहीं हुई? शादी के लिए दहेज मांगी थी। दहेज की वजह से शादी रुकी। क्या कहना था लड़के पक्ष का? लड़के पक्ष की यही थे, एक तो मैं बाइक चाहिए हमको और जो दहेज चाहिए हमको, मतलब पैसे चाहिए 1 लाख क्या चाहिए। अच्छा, मैंने कर दिया 1 लाख। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बुलंदशहर में कई मामले सामने आ चुके हैं। बुलंदशहर के पहासू में रात्रि में आई बारात के एक दूल्हे ने शादी में की 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग। शादी में मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए न देने पर दूल्हे ने किया शादी से इनकार। गुस्साए परिजनों ने सारी बारात को बनाया बंधक। कैमरामैन अदनान के साथ रिजवान अंसारी, सीएमएन न्यूज़, बुलंदशहर।